सो हेलो दोस्तों, आज भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार तिरंगा फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी ने तोपों की सलामी को लेकर कहा कि आज़ादी के 75 साल के बाद जिस आवाज़ को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, आज 75वें साल के बाद वे आवाज़ सुनाई दी। 75 साल के बाद लाल किले पर तिरंगा को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के 75वें स्वतंत्र दिवस के मौके पर 5 प्रण और त्रिशक्ति का जिक्र किया। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा पीएम नरेंद्र मोदी के 10 बड़ी भाषणों से। मैं सभिकुल प्रामाणिक और आपका स्वागत करता हूं योर एंड माइंड पर। आइए शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 5 प्रण लेने का आह्वान किया और कहा, अगर हम अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। इसलिए हमने कितना भी संघर्ष किया हो उसके बावजूद भी जब आज हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं तो अगले 25 साल हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं लाल किले से 130 करोड़ लोगों को आह्वान करता हूँ। देखिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ जनसंख्या का है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में हुए यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश की जनसंख्या 150 से भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अभी भी 130 करोड़ ही बता रहे हैं। तो साथियों, मुझे लगता है कि आने वाले 25 साल के लिए भी हमें उन 5 प्रण पर अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा। हमें 5 प्रण को लेकर 2047 जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, आज़ादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठाकर चलना होगा। पहला प्रण, विकसित भारत। अब देश बड़े संकल्प लेकर चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत, और उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। गुलामी का हर अंश से मुक्ति का प्रण दूसरा प्रण है। किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर अगर गुलामी का एक भी अंश हो, उसे किसी भी हालात में बचने नहीं देना। विरासत पर गर्व तीसरा प्रण शक्ति है, कि हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। यही विरासत है जिसने भारत को स्वर्णिम काल दिया था। यह विरासत है जो समय समय पर परिवर्तन करने का सामर्थ्य रखता है। एकता और एकजुटता का प्रण चौथा प्रण है। एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में एकजुटता, ना कोई अपना ना कोई पराया, एक भारतीय और श्रेष्ठ भारत के लिए यह प्रण है, यह कहा। एवं दूसरे नंबर भाषण में उन्होंने कहा सरकार की उपलब्धियां। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी सरकार की उपलब्धि गिनाते हुए कहा, पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार मोबाइल जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए गलत हाथों में जाने वाले 2 लाख करोड़ रुपये को बचाकर उन्हें देश की भलाई में लगाने में हम कामयाब हुए, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरे नंबर भाषण में उन्होंने वैक्सीन की विषय में बातें की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के कालखंड में दुनिया वैक्सीन लेने या ना लेने की उलझन में जी रही थी। उस समय हमारे देश लोगों ने 200 करोड़ डोज लेकर दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखाया। एवं चौथे भाषण पर उन्होंने परिवारवाद पर बातें की। परिवारवाद, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में परिवारवाद का जिक्र करते हुए कहा, जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति की बात कर रहा हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान के हर संस्थान में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके कारण मेरे देश के टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। हमें हर संस्था में इसके प्रति एक नफरत पैदा करनी होगी। संस्थाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है। राजनीति में भी परिवारवादी राजनीति ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। परिवारवाद राजनीति परिवार के लिए होती है, उसे देश के से कोई लेना देना नहीं होता है। आइए हिंदुस्तान की राजनीति की शुद्धिकरण, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए योग्यता के आधार पर देश को बढ़ाना होगा, ऐसा कहा है उन्होंने। उनका 5वां भाषण भ्रष्टाचार के ऊपर था। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, उससे देश को लड़ना ही होगा। हमारी कोशिश है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना भी पड़े, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, एक तरफ वे लोग हैं जिनको चोरी का माल रखने की जगह नहीं है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। जो लोग बैंकों की संपत्ति लेकर भागे, उनकी संपत्ति जब्त की और जेल में है। उनकी जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाने पड़े। हम ये परिस्थिति पैदा करेंगे, मुझे भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है।
एवं छठवें भाषण में उन्होंने विदेशी खिलौनों से नहीं खेलेंगे के विषय पर बातें की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौनों से नहीं खेलने का संकल्प करता है तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। अब देखिए PLI स्कीम 1,00,000 करोड़ रुपये दुनिया के लोग भारत में नसीब आजमाने आ रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है तो कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमां को नहीं छूता होगा। हमें आत्मनिर्भर बनाना है। और सातवां भाषण में उन्होंने एक नया नारा दिया। पीएम मोदी ने कहा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है। अब जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान होगा। एवं आठवें भाषण में उन्होंने टेक्नोलॉजी और रिसर्च के विषय में बातें की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा प्रयास है कि देश के युवाओं को असीम अंतरिक्ष से लेकर समंदर की गहराई तक रिसर्च के लिए भरपूर मदद मिले, इसलिए हम स्पेस मिशन डीप ओशन इंडिया एट 75N मिशन का विस्तार कर रहे हैं। स्पेस और समंदर की गहराई में ही हमारे भविष्य के लिए ज़रूरी समाधान है। एवं नौवें भाषण पर उन्होंने गुलामी मानसिकता के विषय में बातें की। पीएम मोदी ने कहा, ये हमारे नौजवान हैं जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता को हमें तिलांजलि देनी पड़ेगी, अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। एवं यह भी कहा, मैंने देखा है कि कभी कभी हमारे टैलेंट भाषा के बंधनों में बंध जाते हैं, ये गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पर गर्व होना चाहिए। एवं दसवें भाषण पर उन्होंने तेल के बढ़ते दामों के विषय पर बातें की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तेल पर कहा, हम खाड़ी देशों के तेल पर अत्यधिक निर्भर थे। हमने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने की योजना बनाई थी। ऐसा लगता था कि इसे पूरा करना बेहद ही मुश्किल काम है, हालांकि हमने समय से पहले ही पेट्रोल के साथ एथेनॉल का सम्मिश्रण हासिल कर लिया था। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे भाषण दिए लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर एक भी उन्होंने भाषण नहीं दिया। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो फिर चलते हैं। जय हिंद जय भारत।